प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी का कार्य पत्रक 18वां करेंगे। अब तक बच्चों हमने 17 कार्य पत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप अपना कार्य नहीं कर पाए हैं तो वीडियो देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट व्यावहारिक व्याकरण पर। तो आज हम व्याकरण करेंगे और विराम चिन्हों को लगाना सीखेंगे और पहचानना भी सीखेंगे। बच्चों, आपका स्माइल 2.0 का जो होमवर्क आता है उस पर भी बच्चों हम वीडियो बनाते हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना स्माइल का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह को लगाना और पहचान कर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें लगानी है पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों इनको हम नीचे आपका एक प्रश्न दिया हुआ है उसमें पहचान करेंगे। यहां पर हम विराम चिन्ह लगाना सीखेंगे। तो लाइन पढ़ते हैं बच्चों, मैं बाजार जा रहा था तभी मेहमान आ गए। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखिए, मैं बाजार जा रहा था तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों हमने छोटा सा एक कोमा लगाया है जिसको बोलते हैं अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है आराम करना। हम यहाँ पर बोलते वक्त थोड़ा सा रुके हैं, जब हम बोलते वक्त थोड़ा सा कहीं रुकते हैं तो वहां पर अल्प विराम का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तभी मेहमान आ गई। अब बच्चों हमारी लाइन पूरी हो गई है तो हमने एक डंडा सा लगा दिया, इस डंडे को कहते हैं बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम एक लाइन डंडा लगाते हैं जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमने दो विराम चिन्हों का यूज किया है, एक तो है अल्प विराम, छोटा सा कोमा लगाया, और फिर लास्ट में एक डंडा लगाया जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम। अब अगला बच्चों दूसरा है, यह पेन किसका है? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं ना, जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो वहां लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये पीछे देखो आप, यहाँ पर जो निशान है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का है कि यह पेन किसका है। अब अगला है बच्चों, आज माताजी घर पर नहीं है। अब यहाँ पर भी मैम रुक गई ना थोड़ी देर, आज माताजी घर पर नहीं है, तो नहीं है के बाद एक छोटा सा हमने कोमा लगाया है जिसको कहते हैं अल्प विराम। अब मैं क्या करूं, अब मैं कह रही हूं ना, अब मैं क्या काम करूं, तो क्या करूं, क्या आया है, तो उसके पीछे लगेगा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर भी हमने दो विराम चिन्ह लगाए हैं, एक है अल्प विराम, तो लास्ट में लगाया बच्चों प्रश्नवाचक। अब बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम वाक्य के मध्य थोड़ा रुकाव, जब हम बोलते बोलते थोड़ा रुक जाते हैं कहीं पर, तो वहां पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, छोटा सा कोमा लगाते हैं। ठीक है, अब है पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर। जब लाइन हमारी खत्म हो जाती है, हम अपनी बात पूरी कर देते हैं, तो अब आता है पूर्ण विराम, एक डंडा लगाते हैं जिसको कहते हैं पूर्ण विराम। आप अपनी बुक में देखिएगा, जहां पर लाइन खत्म होती है एक डंडा लगा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं पूर्ण विराम। तो आप ऊपर देखिए, सर्कल लगाया ना मैम ने यहाँ पर। ठीक है, अब है बच्चों प्रश्नवाचक, जिस वाक्य का उत्तर चाहा गया हो। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, जब हम ऐसा कुछ क्या किस कैसे कहाँ ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो वहां पर बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, अब चलो तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर दिखाया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, अल्प विराम कौन सा होता है, पूर्ण विराम कौन सा होता है, तो हमें मिलान करना है। पहला बच्चों है जो निशान है विराम चिन्ह है, वो है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस ए का मिलान करोगे स के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने मिलान करके रखा हुआ है। अब दूसरा है अल्प विराम, ब का लगाओगे आप बच्चों, अ के साथ मिलान करोगे, ये होता है छोटा सा कोमा जिसे कहते हैं अल्प विराम। और तीसरा है बच्चों पूर्ण विराम, एक डंडा लगा हुआ है, जब लाइन खत्म हो जाती है, हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो जाता है, तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो बच्चों इस तरह से आज हमने विराम चिन्ह लगाना सीखा है और पहचानना भी सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा,
और आपका स्माइल 2.0 का जो होमवर्क आता है वो भी हमारा वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।